नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। मेहगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गरीब विकलांग किसान की फसल कोई दूसरा ही काट ले गया। जब पीड़ित ने इस बाबत हल्का पटवारी से शिकायत की तो उसे सहायता के बदले दुत्कार मिली। फिर उसका यही हाल मेहगांव थाने में भी हुआ। इसके बाद जब पीड़ित विकलांग SDM के पास पहुंचा तब उसे राहत मिल पाई। उन्होंने मामले में तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया है। सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुराज की मंशा के बावजूद प्रशासन के लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों की वजह से व्यवस्था को पलीता लग रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? फसल काटने का जैसे ऑर्डर रोकने का आया था? आया था। उसके बाद फिर भी जबरदस्ती फसल काट ली? काटी गई। किसने काटी फसल? राजा बेटी, अंकेश और राजेश। और पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की तुम्हारी पे? नहीं करी। आवेदन दिया था तुमने थाने? कौन से थाने के अंतर्गत आता है आपके गाँव? मेगा। कौन है यहाँ का थाना प्रभारी? यादव साहब है। यादव साहब, कौन से मिले, किससे थे आप? मिले। कौन से? क्या नाम था? दीवान जी का। दीवान जी, कौन से दीवान जी से? विवेक। उनने कोई कार्रवाई नहीं की? कोर्ट के आदेश द्वारा जबरदस्ती फसल काटी? पटवारी आएगी, मैं जाएंगे। पटवारी नहीं आएगी, मैं नहीं जाएंगे। पटवारी बोली तुम क्यों मेरे आ जाते हो? खेती भी नहीं भाई, यानी हमने भाई साहब तुम देख के आई, हमने क्या देखे क्यों नहीं आए? हमारी खेती ना है, जबरदस्ती हम तब काट रहे हो, रात रात काट दी। हमने आदेश कर दिया। मेरा कौन सा गांव है? मेगा। फसल कहाँ पे थी? ग्वाली मोया पेट्रोली। पटवारी कौन है वहाँ? करण चौहान। करण चौहान थी। ठीक है। कितने बीघे खेती थी आपकी? 9 बीघे। काटी किसने? राजा बेटी, अंकेश, राजेश। कौन से गांव के रहने वाले हैं? जब गुमाली के रहने वाले, विजयपुर आके एक जना। दमंगी से काटी गई? दो जी से आके मोड़े हैं संग जने। वाले भी चले गए यहाँ से, जगह साले कड़ो द्वार तब तो मतलब भाई साहब वगैरह बुलाए थे। अच्छा, जान से मारने की धमकी दी? जान से मार डाली। इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही? नहीं ले रही। भिंड जिले के महगांव से जितेन दंडोतिया की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।